फिर ना मेरे एक दोस्त ने डिनर पर इनवाइट किया, तो तुम रेडी हो जाना। अलमी आपका लाख लाख शुक्र है। पता है मैंने कितनी सारी साड़ियां बनवाई थी, इतने सारे कपड़े बनवाए थे कि शादी के बाद तो बहुत ज्यादा दावतें होती हैं, लेकिन यहाँ तो एक होपलेस सिचुएशन ही चल रही थी। शुक्र है फाइनली आपके किसी दोस्त को तो ख्याल आया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी ज्यादातर फैमिली बाहर होती है और दोस्त मेरे इतने हैं नहीं। हाँ ये तो मुझे पता है कि आप एक बुढ़ी रूह हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, दोस्त थे लेकिन सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। जिसने रखना होता है ना वो रख लेता है। आप माने कि आप एक बुढ़ी रूह हैं। अच्छा सुने, मैंने ना 3 कलर्स की साड़ियाँ बनवाई थी, मुझे बताएं कि मैं उसमें से कौन सी पहनूं। एक येलो, एक ब्लू और पर्पल। मेरी पसंद की पहन लोगी? ऑफ कोर्स, इसलिए तो पूछ रही हूँ। ओके, ब्लू। ठीक है, मैं अभी जाके तैयार होती हूँ। ये भी उतारना पड़ेगा, मैचिंग नेल कलर लगाना पड़ेगा ना। Come on, Hina, we are getting late. हाँ बस तैयार हूँ, चले। क्या हो गया? बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हूँ, बस आप ही कभी तारीफ नहीं करते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। Anyways, चले? हाँ चले, तो बैग भी मैचिंग का नहीं मिल रहा मुझे। आप तशरीफ रखें, साहब अभी आ रहे हैं। ओके। कितना प्यारा घर है ना माशाल्लाह। हम्म।
गार्डन भी नजर आता है यहाँ से। हेलो ब्रदर। ओह देयर यू आर। क्या हाल है तुम्हारे? सो गुड टू सी यू। सेम हियर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे ना। और बताओ, अमेरिका से यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? यार बस वहाँ रह रहकर बोर हो गया था, सोचा पाकिस्तान आकर रहूँगा। अब वैसे पापा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस फैसले से, पर तुझे पता है मैं किसी की सुनता कहाँ हूँ। बिल्कुल। शादी का क्या, कर ली या फिर ऐसे ही घूम फिर रहे? फिलहाल तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, पर इरादा है अब। वैसे तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। मतलब यू गाइस मेक अ वेरी गुड कपल। थैंक्स यार, लेकिन अब शादी के लिए तू भी रेडी हो जा। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई अच्छी लड़की तो मिले। हाँ तो इसमें क्या, तुम्हारा ये काम तुम्हारी भाभी कर देंगी। क्यों भाई? हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आपको कैसी लड़कियां पसंद है। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। एक बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में काफी है जिंदगी के सबक देने के लिए। शुक्र कि तुझे अकल आ गई। हाँ यार अभी ना, खैर डिनर कर लें, बातें तो होती रहेंगी वक्त से। हाँ श्योर। शाजिया, शाजिया। जी साहब जी। खाना लगा दो। जी। और बता। बस तू बता क्या चल रहा। बस यार शादी हो गई। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। I'm sure यार। शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है, क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होगा। कितना मजा आया ना आज, मुझे तो आपके दोस्त ऐसे बहुत पसंद है। एक बात तो बताएं, आप दोनों दोस्त कैसे हैं? वो तो आपसे उम्र में कुछ काफी छोटे लगते हैं। एहसन के पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स थे, फ्रेंड्स तो हम बचपन के हैं, फैमिली टर्म समझो। फिर पापा की डेथ के बाद अंकल ने अपना सारा बिजनेस अमेरिका शिफ्ट कर दिया। बाय द वे एहसन जो है ना, वो अपनी उम्र बताने में बहुत चोर है, मुझसे 3 साल छोटा ही है। सिर्फ 3 साल? देखने में तो मुझे आराम से 8-10 साल छोटा लग रहा। मेंटेन किया हुआ उसने अपने आप को? हाँ मेंटेन तो हमेशा से किया उसने अपने आप को। वैसे इतना शानदार घर था ना उसका, इतना मजा आया हमें। और घर तो छोड़ो, कंपनी कितनी अच्छी है उसकी, ना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, एक मिनट के लिए भी इंसान बोलना। मुझे ये बताएं कि शादी क्यों नहीं की उसने अभी तक, कहीं आपकी तरह कोई एनी वेनी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, रोक लगा के बैठा बच्चा। लड़की पसंद आई थी उसे अमेरिका में, उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी 6 महीने से ज्यादा चली नहीं, फिर उसने सेपरेशन ले ली। लेकिन आप वो शादी करना चाहता है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो उनकी कंपनी में इतना मजा आया कि अगर आपसे पहले मुझे ऐसे मिलते ना, ऐसे से शादी कर लेती मैं। कुछ तो सोच समझ के बात किया करो, कौन सी बात किसके सामने कर रही हो? You are too much. शहजाद क्या हो गया है, आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब इंसान मजाक भी सोच के कर रहा है आपसे? हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज।
भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। अली बेटा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है? अलीना की तरफ से खुला का लेटर है, क्या करना है? कुछ नहीं। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है आफीफ, ऐसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ना मुझे कभी सच नहीं बताने वाले, और झूठ कब बोला मैंने आपसे? तुमने मुझे हिना के बारे में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, राइट? अगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं शहजाद कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर के नौकर जितना तुम्हारे वफादार है ना, उससे बढ़कर वो मेरे वफादार है। माफ करना, उन्होंने मुझे हिना के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी। आप ही, हिना को थोड़ा वक्त चाहिए, वो सब समझ जाएगी। और कितना वक्त चाहिए उसे? ना उसे तुम में कोई इंटरेस्ट है ना घर में। तुम्हारी शादी से पहले ना मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्रमंद नहीं थी जितना मैं अब होने लगी हूँ। वो वाइफ है मेरी, मैं उसे हैंडल करना अच्छे से जानता। कल की लड़की तुमसे संभाल ही नहीं जा रही, घर का तुम खाक संभालोगे? क्या बातें कर रहे हो तुम शहजाद? ये जो कुछ भी हो रहा है ना कि सही नहीं हो रहा। खुदा के वास्ते थोड़ा मुताद हो जाओ, तुम इसको इतना आसान नहीं समझो। मैंने कहा ना कि कुछ टाइम और, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो इन मोहतरमा ने मेरी जासूसी पे लगा रखा है घर के मुलाजिम को। मेरी इस घर की खबरें लेती हैं, अब तो शहजाद से बात करनी ही पड़ेगी। बहुत अफसोस की बात है, वैसे कहने को तो मैं इस घर की सो कॉल्ड मालकिन हूं, लेकिन नौकरों से जासूसी ली जाती है मेरे बारे में। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में नौकर शहजाद? है ना, मैंने समझाया तो है, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। आपने समझा दिया, वो समझ गई है ना? मुझे समझ नहीं आता कि इतना दूर जाने के बाद भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। एक मिनट, हमारा नहीं सिर्फ मेरा, उनके अपने बच्चे या अपना घर या अपनी कोई चीजें नहीं जिसके बारे में वो सोचे। अच्छा बताओ मैं क्या करूं फिर, बताओ। नौकर चेंज हो सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी पसंद के नौकर आएंगे ना। ये क्या कह रही हो तुम, बरसों से ये मुलाजिम इस घर की हिफाजत कर रहे हैं, बाएतमाद है। तुम तो सारा दिन बाहर घूमती फिरती रहती हो, मैं इस घर को नए मुलाजमों के हवाले कैसे कर सकता हूं? कुछ नहीं करेंगे ना आप मेरे लिए?
नहीं करेंगे ना कुछ? तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। बस कर जाए आप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना या समझना। आप किस्मत फूट गई थी मेरी, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने आपसे शादी कर ली थी। बाहर कौन आ गया? जाओ देखो जरा कौन आया। जी देखती हूँ। अम्मी, अम्मी वो लोग आए हैं। कौन आ गया? अलीना के ससुराल वाले। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए? जब घर की इज्जत चुपचाप घर से चली जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे वापस लेके आए। फर्ज तो आप लोगों के और भी बहुत सारे बनते थे जो आपने पूरे नहीं किए। देखिए अगर आप बात बढ़ाने लगेंगी ना तो खराबी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने बेटे से तो पूछें, आखिर इस बात की नौबत क्यों आई? मियाँ बीवी के रिश्ते में शक की दीवार अगर खड़ी हो जाए तो कुछ नहीं बचता, ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। वो नहीं आएगी। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी ना, उसके बाद जो कुछ होगा उसके नतीजे के जिम्मेदार वो खुद हो। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी बेटी बहुत समझदार है। जब वो उस घर से निकली थी ना, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि नतीजा क्या होगा। तब क्या आप उसकी इस हिमाकत में उसका साथ देंगे? तुम मेरी बेटी को अगर अहमक समझते हो ना तो फिर यूं ही सही। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। मैं आ गई, कहिए जो कहना है। चल तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए। क्यों बेटा, मियां बीवी में झगड़ा तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब तो नहीं। अली और मेरे दरमियान जो हुआ था उसे झगड़ा नहीं कहते। इन सारी बातों के बावजूद अगर हम तुम्हें लेने आ गए ना तो शुक्र अदा करो। शुक्र अदा तो आप करें, कितना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खामोशी से घर वापस आ गई। Behave yourself. So, behave myself. वाह, घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाए, सब ठीक। घर में एक रोटी का निवाला तक नसीब ना हो मुझे, सब जायज। घर के हर कोने में, मेरे कमरे तक में कैमरा लगा दिया जाए मुझ पर नजर रखने के लिए। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती, किसी को देख नहीं सकती। अगर मैं इतनी बदकिरदार औरत हूं तो मुझे लेने क्यों आए? इसलिए कि 24 घंटे की मासी एक नौकरानी घर से चली गई है, इसलिए। चलो बेटा, अब तुमने अपनी भड़ास निकाल ली ना, अब मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल जो भी है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। तलाक चाहिए? धक्के जो दिल में आए वो करो, शहजाद के साथ डेटे मारो, पता नहीं क्या क्या। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, भूल जाओ इस बात को। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, तलाक तुम्हें नहीं मिलने वाली। चलिए अम्मी। अलीना चलो हमारे साथ। अम्मी मैंने कहा चलें। देखो इसीलिए कहती हूँ कि अपने घर पर ध्यान दो, तुम्हारी शादी को काफी वक्त हुआ चला है, अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो ना बेटा। औरत चाहे लाख हसीन हो
मर्द उससे तवज्जो चाहता है, अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी। तुम्हें देती तो हूँ तवज्जो और ख्याल भी रखती हूँ, अपने सर पे बैठा लूं उसे, मुलाजमा बन जाऊं उसकी। अरे मुलाजमा ना बनो, बीवी तो बनो कम से कम। सारी नसीहतें ना मेरे लिए रह गई हैं आपकी, मेरा दुख दर्द कभी मत समझिएगा। बेटा ये सारी मुश्किलात ना तुम्हारी खुद पैदा करदा हैं और तुम खुद ही इन्हें अपने आप से दूर करोगी। आपसे ना बात करने कोई फायदा नहीं है, वैसे रहने दे। किस काम के लिए आई थी मैं और किन बातों में लग गई हूँ आपके साथ। शहजाद का एक दोस्त है, ऐसा नाम है उसका, तस्वीर लाई हूँ मैं साथ, कहाँ गई मेरे पकड़े। शादी करानी है, पहले शादी हो चुकी है एक दफा लेकिन कामयाब नहीं रही, टूट गई किसी वजह से, अब दोबारा करना चाहता है। करता क्या? बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, शहजाद की तरह नहीं, अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन। क्या मतलब शहजाद जैसा नहीं? शहजाद में क्या कमी है? एक छोर 100 कमी है उसमें। खैर छोड़िए आप, इसके लिए लड़की ढूंढ लीजिएगा, फिलहाल तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, किसी और की तो सबर जाए कम से कम। अलीना की बहन भी तो थी, पढ़ी लिखी खुश शक्ल, और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना उन लोगों से जाकर बात करूं। पहले भी मैंने बेटी की मोहब्बत में शहजाद से उसकी बनती बात बिगाड़ दी थी। नूरी कहाँ जा रही हो तुम? सोचा तो यही था, मर के ही निकलूंगी इस घर से, लेकिन हो सकता है मेरा दाना पानी उठ के अब यहां से। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही है शहजाद, मेरा ही फैसला है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ठीक है, सारा सामान अपना रख लिया है ना? जी रख दिए। चलो जाओ। अगर क्यों? मैं आपको नीचे आके समझाती हूँ, रुके। अल्लाह शहजाद, इतनी तो आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? साइड पे होना जरा, जगह दो। मेरा भी घर है ना, ये आप ही ने दिया है ना ये हक मुझे, तो फिर भरोसा करें मुझ पे। जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल यहाँ पे, इसे जाने दे, मैं बाद में समझाती हूँ। जा। रुको। है ना, घर को अपना कहने से पहले अपना तो लो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि घर की कौन सी चीज कहां पर रखी है। शहजाद ये मेरा काम नहीं है, नौकरों का काम है, और हम बाद में बात करें, इसके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? तुम क्यों खड़ी भी हो अभी तक? जाओ यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर किचन में जाओ। रुको, तमाशा लगाना है ना आपने, अब मैं लगाती हूं तमाशा। जासूसी करती हो मेरी? नहीं बीबी जी, नहीं। जासूसी करती हो? नहीं नहीं। चुप, एकदम चुप। अपनी फरवा आपी को कॉल करके मेरे खिलाफ भड़काती हो, है ना? नहीं मैंने ऐसा नहीं। चुगलियां तो तुम लगाती हो, मुझे सब पता है। नहीं नहीं मैं ऐसा। अपना झूठ नहीं बोलना, सच बताओ साहब को। चलो। कुछ नहीं करती। बातें नहीं की थी तुमने उन्हें मेरे खिलाफ? यार किसी झूठी औरत हो तुम, ये बात है असल। आप चाहते हैं कि घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो? हेना, हेना। कहा ना मैंने किचन में जाओ अंदर। आप एक मासी के लिए मेरी तौहीन कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है ना, तौहीन कहते किसे? आपका तो दिमाग ही खराब हो गया मुझे लगता है। एक काम करें आप इसे रखें घर में, मैं यहां से चले जाती हूँ, मैं तो पता नहीं कौन हूं, इस घर में क्या कर रही हूं। ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अलीना की जबान इतनी तेज चलती है। लोग सही कहते हैं, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। कैसे मासूम बन के रहा करती थी वो यहाँ पे? रहा नहीं करती थी, रखा हुआ था उसको यहाँ। मैं पता नहीं कौन से उसके आशिक इस घर के अंदर घुसाते। देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। जैसी मर्जी लगती हो, लेकिन अब मैंने एक फैसला कर लिया, इस घर में तो वो नहीं आएगी और ना ही उसे अब मैं तलाक दूंगा। खाती रहे वो दालतों के चक्कर। गलती अगर अलीना की थी तो अली को भी कमरे में कैमरे नहीं लगाने चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, पर तुम खुद भी तो सोचो, है ना, घर की पुरानी चीज तक से अटैचमेंट हो जाती है, ये तो फिर भी जीते जागते इंसान है ना, वो इंसान जो अपने मालिक के कहने पर अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक मुलाजमा की वजह से मेरे और तुम्हारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। अपने मुकाम को पहचानो। मुकाम को पहचानो? कोई मुकाम दिया आपने मुझे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। है ना, लीव दिस प्लीज, इधर आओ, कम हियर, कम हियर, बैठो। पूरा अख्तियार है तुम्हें, लेकिन है ना, अख्तियार का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जायज और नाजायज की बात तब आएगी जब आप कोई इख्तियार देंगे मुझे। आपने तो सारे इख्तियार अपनी बहन को दिए हुए, क्योंकि मेरी बहन ने हमेशा मुझे उस वक्त सहारा दिया जब जब मुझे जरूरत पड़ी। उन्हें बुला लेना यहां सारी जिंदगी के लिए। मुझसे क्यों शादी की आपने? है ना, बस तुम कहीं नहीं जा रहे, गुस्सा थूक दो प्लीज। इंसल्ट किया आपने मेरी उस मासी के सामने। अच्छा, आई एम सॉरी, हम बाहर चलते हैं खाने पर, तुम्हारी फेवरेट जगह। प्लीज। थैंक यू। तुम्हारे कपड़े तो मैंने इधर रख दिए हैं, अब आप उससे बोले मुझे कपड़े प्रेस करके दे। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, बस इतनी सी बात है।